हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खीरे के रायता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। खीरे के रायता को बनाने के लिए हमें लेने होंगे एक खीरा, एक कप दही, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, काला नमक हाफ टेबल स्पून, नॉर्मल नमक। तो खीरे के रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम खीरा को कद्दूकस करेंगे। तो उसके लिए हम पहले खीरा को इस तरह से छील लेते हैं। तो अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो बस ऊपर ऊपर का पोर्शन ही हम इस तरह से घिस लेंगे चारों तरफ से, और बीच का हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे घिस कर तैयार कर लिया है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें फिर दही डाल देंगे 1 कप। अब हम इसे स्पेचुला की हेल्प से इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से। इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ हमें दही को करना है। तो अब ये दही अच्छे से फिट गई है। अब हम इसमें खीरा डाल देंगे जिसे मैंने घिस लिया था। सारा खीरा इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ टेबल स्पून, और बस स्वाद के लिए काला नमक इसमें डाल देंगे। अब नॉर्मल नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून। अब ये भुना जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब ये हरी मिर्च भी डाल देंगे बारीक कटी हुई। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये हमारा खीरा का रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।